ठीक है यार, आज हम आए हुए हैं चमन भैया के घर पे। ठीक है, अब चमन भैया से मिलके आते हैं और वो यहाँ पे 2 महीने से बैंगलोर में रह रहे हैं, तो पूछते हैं कैसा चल रहा है उनका। ठीक और चमन भैया कैसे हो? एक नंबर, मस्त मस्त। सही है सही है सही है। और भाई कैसे चल रहा है बैंगलोर? अबे भाई, बैंगलोर क्या बेहतरीन जगह है, बहुत मस्त जगह है भाई। आईटी पार्क नहीं, वाटर पार्क है हमारा भाई। पानी पानी में रहते हैं। और भाई एक बात बताओ, चलो अपन कभी आईटी हब में आते तो क्या लगता है अपन को भाई, कि कितनी हाईटेक सिटी है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है ये है। और यहाँ पे आओ तो आपको पता चलता है भाई, एकदम गांव है गांव जहाँ पे हम लोग रहते हैं। आप मतलब जैसे इधर ऐसा है ना कि जैसे सामने सामने बिल्डिंग है और उसके जस्ट पीछे जाओ तो आपको नाला मिलेंगे, आपको सुअर क्रॉस होते हुए मिलते हैं। मतलब मैं इंदौर से आया था तो मेरे को नहीं दिखते थे, और अभी इधर आया ना तो इतने सुअर के झुंड झुंड दिखते हैं यहाँ पे। और एक बात ठीक है कि अपन यार भाई, स्टार्टअप कल्चर होगा, हर छोटी छोटी चीज़ों की प्रॉब्लम होगी, सब सॉल्व हो जाएगी यहाँ पे आते से। यहाँ पे भाई साहब कैब तक बुक नहीं होती है, आप 2-2 घंटे तक कैब का वेट करते हो कि कैब बुक हो जाए, इतने में तो आप पैदल वैदल चले जाओ। साला दिमाग की हट चुकी है यहाँ पे, ना फ्लैट मिलता है ना कैब मिलती है, मतलब यहाँ रह क्यों रहे वही नहीं समझ में आता साला, जबकि आईटी हब है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है ये तो। भाई तू इतना परेशान है बहुत तो रह परेशान। क्यों रहे हैं यहाँ पे? अरे अब कंपनी ने यहीं पे लोकेशन दिया, पे ऑप्शन नहीं था ना तो हमें यही लोकेशन मिली, तो फिर यहीं पे रहना पड़ रहा है, अब चलाना पड़ रहा है जिंदगी हमारी। तेरा वो 1 महीना कैसा था जब वो तुम्हें? तो भाई क्या सेक्सी था, एकदम सही बता रहा हूँ, उसमें तो एकदम मैरिट होटल में रुके थे 14 दिन, तो एक नंबर एक्सपीरियंस था, क्या हाई क्लास था। लेकिन जब उसके बाहर आया ना तो पता चल गया कि ये सिटी क्या है, मतलब तब फिर एकदम औकात में आ गए हम लोग। तो ये मेरे पार्को में है भाई, ठीक है, हाँ डीटीयू से, और ये अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है। यस अराउंड 50,000 सब्सक्राइबर्स नहीं यस, हुए बस होने ही वाले, हो अभी, हो जाएंगे इस वीडियो के जाएंगे बाद इस वीडियो के बाद पक्का हो में। जाएंगे। तो अभी यहाँ पे बैंगलोर में 2 महीने से रह रहा है, तो सिद्धार्थ से जानते हैं कि एक्चुअली बैंगलोर में कितने एक्सपेंसेस वगैरह लग जाते हैं। ठीक है, अगर तुम ऐश मतलब ये फुल ऐश करता है, ठीक है, तुम इसका स्टूडियो भी दिखाता हूँ तुम्हें इसके बाद। ठीक है, मैंने फुल हाँ पैसे लगाए हैं स्टूडियो बनाने में यहाँ पे, तो पूछते हैं इससे। क्या तो कहते एक बात बता, सबसे पहले रेंट कितना हैं? दे रहा है तू? देखो रेंट, पहले मैं आपको एक पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, यहाँ पे जब आप बैंगलोर में आते हो तो अभी करंट सिचुएशन में तो रेंट बहुत ज्यादा हाई चल रहा है, तो 2 BHK आपको 30-35 के तक ही मिलता है। मतलब बाय लक मेरे को पता नहीं कैसे लकीली मिल गया, तो जो मेरा रेंट आता है मतलब इंक्लूडिंग मेंटेनेंस 18,000 है, 2 BHK हमने लिया है और मैंने मेरी रियल सिस्टर के साथ लिया, वो बैंगलोर ही शिफ्ट हुई है, हाँ तो मेरे को 9,000 ऐसे इंक्लूडिंग मेंटेनेंस रेंट पड़ता है। लेकिन यदि आप और मतलब यदि नहीं मिलेगा आपको ऐसा एकदम ऑफर हाँ टाइप की चीज, हाँ तो आपको लगभग 12-14 हज़ार रेंट में लग जाता है यहाँ पे आराम से। ये इसका पता नहीं किस्मत बहुत अच्छी थी। हाँ ठीक है, अठारह वही हजार में बैंगलोर में मिल ही नहीं सकता बिल्कुल। टू बैंगलोर एच में के 2 BHK मिनिमम 35-35 हज़ार के से कम में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसकी लग। वाली एक्सपेक्टेशंस मत रखना जो ये बता रहा हाँ है। तो अपने जितना जो टोटल एंड में आएगा ना, उसमें तुम 6-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ऐड ऐड कर कर लेना। लेना। ठीक है, हाँ अब तुम घर पे रहते हो, अब खाने का मेड का उस सब का क्या सीन हाँ तो होता देखो, अब जब अपन घर पे रहते हैं तो खाना तो मम्मी लेके आती है, कोई दिक्कत ही नहीं होती, अपन को समझ में आता। लेकिन जब यहाँ पे रहते हैं तो अब आपको मेड लगाना पड़ता है, तो हमने मेड लगाया है 4,500 में, तो वो बेसिकली वो 2 टाइम का खाना बनाती है और एक टाइम भी खाना बनाती है, वो दिन में आएंगी और दिन और रात का दोनों खाना बना हाँ लेगी, झाड़ू पोछा लगाती है और संडे टू संडे वॉशरूम ये सब क्लीनिंग करती है वो, काफी तो मतलब सही। 4,500 है, तो तो पर हेड हमें पड़ता है 2,250 मतलब। सर, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड देयर इज अ मैसेज फ्रॉम टुडेज वीडियो स्पॉन्सर कोडिंग निंजास। अब यहाँ पे भाई 35% फ्लैट ऑफ चल रहा है, एंड इफ यू गो थ्रू माय लिंक तो तुम्हें 20% ऑफ और मिल जाएगा, तो भाई बहुत सारे डिस्काउंट है। इफ यू एक्चुअली वांट टू बाय अ कोर्स, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट नाउ। इसके अलावा यार, इफ यू डोंट नो अबाउट कोडिंग निंजास, कोडिंग निंजास इज इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। कोडिंग निंजास हैज टॉट मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स, और जो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी यार IIT स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने अमेज़न फेसबुक जैसी अमेजिंग कंपनीज में काम किया हुआ है, एंड इसकी यार गूगल एंड फेसबुक रिव्यूज पे भी रेटिंग 4.9 स्टार है। द टीच कोर्सेज फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, तुम्हें यहाँ पे हर तरीके के कोर्सेज मिल जाते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, DSA, डेटा साइंस, DSA, C++, जावा, पाइथन, और यहाँ पे तुम्हारे सारे कोर्सेज काफी वेल स्ट्रक्चर्ड है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स एंड गो अप टू एंड एडवांस लेवल। यार जब हम कोई कोर्स कर रहे होते हैं तो हमें डाउट्स वगैरह तो आते ही हैं, सो यहाँ पे 200+ हिंट वीडियोस तुम्हारे C++ JS वाले कोर्स में। इसके अलावा इफ यू आर स्टिल स्टक, यू कैन आस्क TAs, ठीक है, तुम्हारे TAs 3 से 4 घंटे के अंदर तुम्हारे डाउट्स वगैरह रिजॉल्व कर देते हैं, सो फ्लैट 35% ऑफ प्लस 20% ऑफ तुम्हें मिल जाएगा। गो थ्रू द लिंक, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। नेक्स्ट चीज है ट्रैवल। ठीक है, अब जैसे कहीं पे भी जाना होता है, रहता थोड़ा गांव वाले हाँ एरिया एक और चीज हम बताना भूल गए कि 9,000 भी आपको मिला है, वो इसीलिए मिला क्योंकि आप जो जैसे मेरा ऑफिस है उससे मैं 6 किलोमीटर दूर रह रहा हूँ, तो आपको किसी ना किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करना है, तो आप रेंट ज्यादा दो ऑफिस के पास में रहो अच्छी एकदम सेक्सी बिल्डिंग में, या तो मैं थोड़ा सा दूर रह रहा हूँ और रेंट थोड़ा सा कम है उसमें, तो मेरे वाले में ऑफिस भी बहुत दूर है मेरा। तो इसका जो ट्रैवल वेवल वाला खर्चा है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, अभी हाँ बताएगा। ठीक है, बट
मतलब वो तुम्हारे ऊपर है यार, अगर तुम्हें दूर रहना तुम दूर रह सकते हो, बट यहाँ पे गांव वाला एरिया से घर बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ट्रैवल का जो है एक्सपेंस, तो बेसिकली हमने क्या करा है ना कि हमने एक एक्टिवा रेंट पे ले ली, तो एक्टिवा रेंट पे ली 11,000 के अराउंड हमने रेंट पे लिया वो एक्टिवा 1.5 मंथ के लिए, मतलब पैसे तो ज्यादा लेकिन अभी हम लोग लेना नहीं चाह रहे थे एक्टिवा, ओन नहीं करना चाह रहे थे, तो इसलिए रेंट पे लिए। और फिर आपका पेट्रोल वेट्रोल जो लगता है, तो मेरे को इन एन अराउंड मतलब उसको 9,500 तक लग जाता है मुझे, यदि हम स्प्लिट करें मेरी बहन के साथ। इसको इक्वल स्प्लिट नहीं करता क्योंकि मैं ही ज्यादा घूमते रहता हूँ। और आपको पता है जैसे कि बैंगलोर में मैंने आपको बताया अभी कि कितना दिक्कत होती है ना कि आप हाँ कैब बुक करो तो आपको एक घंटे लग जाएंगे बुक करने में, तो जब तक आपकी पूरी मेंटल एनर्जी ड्रेन हो जाती है। अभी मैं इसके घर आ रहा था, घर आते आते मैंने तीनों ऐप पे लगा दी थी भाई, ऑटो करना मिली नहीं, एंड में मैंने बाइक करी वो जाके बड़ी मुश्किल से मिली, तो वो मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए आपको अपनी एक व्हीकल मतलब रेंट वाली तो लेनी पड़ेगी यदि आपको कहीं पे भी जाना है, कुछ भी करना है, ठीक है। सही, तो उसके लिए वो सही सही सही। उसके बाद अब मैंने कुक वुक मेड वेड तो रख ली, बट खाने के लिए खाना तो चाहिए। ये भी बात होती है कि आपको ग्रोसरी लाना है, आपको दाल चावल बावा तेल लाना है, ये सब लाना है, तो मेरे को भी पता नहीं था, हॉस्टल में भी नहीं ये एक्सपीरियंस मिला था। तो ग्रोसरीज इन एंड अराउंड मतलब हमारी 9-10 हज़ार की आती है, और स्प्लिट बहन के साथ आधा आधा होता है, तो 4,500 पड़ता है। आटे दाल का भाव पता चल गया है भाई, एग्जैक्ट मतलब। और राइस में भी अलग अलग राइस होती है, बासमती का चावल इतने रुपए का है, बेकार वाला चावल इतने रुपए का है, लोकल चावल इतने का, भाई अलग ही एकदम घर गृहस्थी वाला माहौल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, इंटरनेट रीइंबर्समेंट वगैरह, वो सब कितना हो जाता है? वो 2,000 आता है, तो फिर 1,000 रुपीज आता है, मतलब टोटल 2,000 आता है। यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे बैंगलोर में एसी की जरूरत पड़ती है, वेदर अच्छा हवा चल रही हो तो फैन। बैंगलोर में बस यही है, वेदर अच्छा है, आप कोई भी पूछो बैंगलोर क्यों आया, वेदर अच्छा है, बस ये इतना ही आंसर है हमारे पास। और वेदर अच्छे में ब्रो अच्छा नहीं होता, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो खराब रहा है, ठीक है, नहीं बोलने के लिए यही आंसर है ना हमारे पास। 5-6 बजे रोज बारिश हो जाती है, ठीक है, बारिश हो जाती है तो तुम्हारे कैब नहीं मिलेगी कहीं जाने के लिए, और कीचड़ कीचड़ जैसा बताया गाँव में आपको, एक नंबर कीचड़ में, जैसे तैरते हुए जाओ बढ़िया कीचड़ में, और बीच में भी तुमने देखा है तो बाढ़ बाढ़ आ गई वही तो बोला ना, वो वाटर पार्क बन गया था एकदम, एकदम मजा आ गए थे। अब लास्ट में भाई ये सब तो नेसेसिटीज है, ऐसे तो नीड्स है, तुम्हें चाहिए ही चाहिए। अब फाइनली आता है फन वाला पार्ट, अब तुम अकेले रह रहे हो पूरे इतने सारे वीकेंड है, दो दोस्त आते हैं, सारे फ्रेंड बनते हैं, तो उसमें मेरा मतलब 8,000 तो खाना पीना मजे करने में लग ही जाता है, और इतना लग ही जाता है। आप किसी मतलब मतलब पब वब जाओ या कहीं पे भी जाओ तो आपकी एंट्री चार्ज इतनी हो जाती है कि आपको वो कवर तो लेना ही पड़ता है, तो इतना तो लग ही जाता है आसानी से, मतलब यदि आप थोड़ी मस्ती करोगे तो 8,000 तो वो लगता ही लगता है हमारा। अब इसमें भाई बता रहा था मेरे को बैडमिंटन खेलने के लिए जाने के लिए कोर्ट्स बुक करने पड़ते हैं, हाँ एग्जैक्टली, बैडमिंटन खेलने जाने के लिए तो मैं पैसे दे, हाँ मतलब यदि हम चार दोस्त मेरे घर पे हैं तो आप एक्टिवा में तो चार जन आ नहीं सकते, बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी, तो यहाँ पे आपको फिर कैब लेना पड़ेगा, तो आप कैब लेके जाओ, फिर बैडमिंटन खेलो, फिर वापस आओ, तो वाले एक्सपेंस ये सब मिला के, ये मतलब वो है ना कि वॉन्ट्स भाई, अब आप कुछ कमा रहे हो तो एक खर्चा भी तो भरोगे ना, मजे तो लोगे लाइफ के, तो वो उसमें आ गया मतलब 8,000। और इसमें आप एक और है कि भाई आप शॉपिंग भाई कपड़े वपड़े पहने गए, नहीं तो क्या बनियान वनियान में थोड़े घूमेंगे, बंदी बंदी बनानी है, हाँ तो भाई बंदी बंदी बनाएंगे स्मार्ट गाइस, तो फिर 2-3 हज़ार शॉपिंग का अपना लग जाता है, तो ये ओवरऑल अपना इतना सारा एक्सपेंस होता है इसमें। अब जैसे जो मेरा बेसिकली मैं जो प्लान करता हूँ वो आपको एक बार और बता देता हूँ कि जैसे जब मेरी सैलरी आती है, तो जैसे ही मेरी सैलरी आती है तो उसका मैं क्या करता हूँ ना कि 40% से 50% डायरेक्टली हटा देता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो और सपोज यदि मेरी सैलरी कुछ आ रही है एक्स अमाउंट की, तो मैं सीधा हटा के उसको इन्वेस्टमेंट में कर देता हूँ। अब जब वो इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके बाद ये आपको जो नीड्स बताई, जो रेंट हो गया, मेड हो गया, ग्रोसरी, उसमें पूरे पैसे जाते हैं मेरे। और उसके बाद जो अपने वॉन्ट्स होते हैं कि आपको ये भाई ये खर्चा हो गया, शॉपिंग हो गई, और वॉन्ट्स में आपको अब थोड़े से कुछ और पैसे बचते हैं जो कि आप प्लान करते हो कि जैसे मान लो अभी मैंने मॉनिटर लिया, तो मॉनिटर के लिए आपको प्लान करके पैसे इकट्ठे करने, फिर आपने मॉनिटर ले लिया, फिर आपको कुछ और लेना है बाद में, कैमरा लेना है, तो उसके लिए पैसे इकट्ठे कर करके फिर उसको एक साथ बल्क में यूज करता हूँ। अभी दिखाता हूँ तो मैं इसका सेटअप, इसने प्रॉपर आईकिया से जाके बड़े बड़े बुकशेल्फ, इतनी सारी किताबें, मैं इसे पूछ रहा था कि किताब किताबें पढ़ता हूँ तो क्या पढ़ता है, पढ़ता हूँ सारी नहीं बड़ी लेकिन पढ़ता हूँ, डेकोरेशन के लिए नहीं वही वही एग्जैक्टली। तो ये है सारे एक्सपेंसेस, तो ये टोटल कितना पड़ जाता है महीने का भी तेरा? टोटल 37,000-40,000 के आसपास पड़ ही जाता है आराम से। मैं सस्ते में रह रहा हूँ अरे थोड़ा पड़ जाता है मतलब ट्रैवल, क्योंकि वहाँ पे ट्रैवल कॉस्ट कम रहती है, प्लस हमें मेरे को खेलने जाना होता है, हमारे बैडमिंटन वगैरह सोसाइटी के नीचे है, आपके सब कुछ मेंटेनेंस में इंक्लूडेड है, तो वहाँ पे रेंट ज्यादा है, मैं मतलब भाई रेंट में 16,000 दे रहा हूँ, जो तुम अगर यहाँ पे करोगे तो देना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड कर लो, आप नीचे बैडमिंटन कोर्ट आपका खुद का, ये सारा स्विमिंग पूल है जैसा आपका, आपको स्विमिंग करनी है सब जिम है, तो वो सब में सारा हो जाएगा, मतलब सेम बात पड़ जाती है। बट हाँ बैंगलोर में भी एक्सपेंसिव है, मतलब इससे यही बताते हैं, बैंगलोर थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है, और बहुत एक्सपेंसिव है यार, और
क्या बताऊं मैं, मतलब इतनी ज्यादा अच्छी रहने लायक भी सिटी नहीं है, मतलब मैं तो ये बोलना चाहूंगा। अभी आप देख लो, देखो कैसा पसीना आ रहा है, कितना अच्छा वेदर है, लेकिन बहुत अच्छा वेदर है। बढ़िया, आप थोड़ा रूम दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। दो तीन लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा एक रूम। अब वो देखो एक्सपेंस तो ना यार, तुम बहुत ज्यादा कम भी कर सकते हो, ये जैसे अब 30-40 है, तुम खाने बाहर कम जाओगे, खाने थोड़ी सस्ती जगह में जाओगे। भाई हम हॉस्टल में रहते थे तो कौन सा ऐसे कोई जा रहे पब में, इतना तो हम सोच भी नहीं पाते थे। तो अब यदि आप थोड़ा सा कमाते हो तो आप थोड़ा बहुत जा पाते हो, इसीलिए तो एक्सपेंस आप इसको बहुत ज्यादा कट डाउन कर सकते हो आपके हिसाब से, दिक्कत भी है। अब हमने कितने सारे शॉपिंग वॉपिंग आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है कि नहीं। लेकिन बाबा थोड़ा जीना भी तो पड़ेगा, मस्ती भी तो करेंगे। निशान भैया को देख ले भाई, क्या घूमते हैं इसमें, तो अभी सिद्धार्थ की ट्रिप्स वगैरह ऐड नहीं करी। जो बच गया ना 40% हटाने के बाद, जो ये सब करने के बाद जो बच गया 10-15%, वो सारे ट्रिप्स में लग जाते हैं। ठीक है, मिलने का भाई है। निशान भी आज घर पे आया, बहुत ही बढ़िया लगा, एकदम मजेदार चीज थी। मेरे को इनका फोन आया, एकदम खुश सा हुआ कि यार भाई निशान भी आ रहे हैं घर पे, क्या बात है। तो भाई सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नीचे टैग्ड है, तो जाके सब्सक्राइब कर लेना, 50,000 तो करा दो यार, बहुत करवाओ यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, बाय बाय। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए।